सर मैं शाम के समय लगभग 7 बजे के लगभग में यहाँ पे मैं रूम में था। यहाँ पे मतलब अपने रूम में गेट बंद थी तो 8-10 लड़के यहाँ पे आए, नोक किए और उसके बाद मेरे रूम में घुस गए। उसने बोला कि तुमको दिलीप ठाकुर बुला रहे हैं। मैंने बोला कि अभी अभी इस समय मैं नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि उनसे बात किया, फिर बोला कि अभी घसीटते हुआ, फिर उनका दिलीप ठाकुर का को उन्होंने फोन लगाया। दिलीप ठाकुर ने बोला कि यदि मैं आ जाऊंगा तुम्हें वहीं पे मार पीट के सही कर दूंगा, नहीं तो जो बोल रहा है करो। तो मैंने उनका विरोध किया। विरोध करने के बाद उस समय मैं गंजी में और तौलिये में था। उन्होंने जबरदस्ती मुझे गंजी तौलिया खोल के पैंट पहनाया और मैं विरोध किया जाने से। अभी उस समय क्योंकि लाइट कटी हुई थी और नाइट का समय था तो उन्होंने मुझे घसीटते हुए सीढ़ी से ले गया। आधे सीढ़ी के बाद मैं जाने के बाद वहां से बाहर होके उससे बाद उन्होंने मोटरसाइकिल से पे मुझे बैठा के ले गया। मैं आगे जाके विरोध भी किया तो वो मुझे धमकाते रहे और उसके बाद कैनरा बैंक के पास में वहां पे ले गए और वहां पे एक झोपड़ी टाइप का था, उसमें वहां पे पहले से 8-10 बंदे, सॉरी 4-5 बंदे वहां से थे और यहाँ से लगभग 8-10 बंदे गए। वहां पे भी वो बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने लाइट बंद करके हमारी गंजी उतरवाया और उसके बाद जंघिया उतरवाया, पूरा मुझे बेनंग कर दिया, नंगा कर दिया। और नंगा करने के बाद उन्होंने, मैंने उस समय विरोध किया वहां पे, तो उन्होंने मुझे मारा पीटा भी। और मारने पीटने के बाद वो मुझे बोले कि तुम अपनी कंपनी से रंगदारी दिलाओ, मुझे हमको चाहिए, तुमको आगे काम मिला है। और मैंने उनको बोला कि आप कंपनी मैनेजमेंट से बात कीजिए, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, साधारण हूँ, टेक्निकल बंदा हूँ, मैं टेक्निकल काम देखता हूँ। उन्होंने नहीं माना। उसके बाद मुझे तो बार बार वहाँ टॉर्चर भी करते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला तुम अपनी सैलरी में से दो, ठीक है। मैंने बोला मेरी बस इतनी सैलरी ही है, मैं क्या कर सकता हूँ, अपने परिवार को चलाऊँ या क्या करूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं 3-4 आदमी तुमको दे रहा हूँ रखने के लिए, तुम रखो, ठीक है। मैंने बोला कि मैं आदमी भी नहीं रख सकता हूँ उसमें, मेरी कोई औकात नहीं है उस कंपनी में, बस टेक्निकल बंदा हूँ मैं, वो कंपनी से आप बात कीजिए। यही सब हुई। वो मुझे वहाँ पे मारा पीटा और रंगदारी मांगे। उसके बाद मैं वहाँ पे अकेला था, सारे लोग मुझे इतना डरा धमका दिए मैं वहाँ पे। और वो बोल रहे थे कि यदि पुलिस को बताओगे या कोई BSL अधिकारी कहीं को भी बताओगे तो मैं तुम्हें ऐसे केस में फंसा दूंगा कि जिंदगी में तुम निकलोगे नहीं, तुम बर्बाद हो जाओगे, इसलिए जो मैं कहा हूँ वही तुम सुनो। यही सब हुई। फिर उसके बाद मैं वहां से आया। आने के बाद फिर मैं अपने अधिकारी सबसे बात किया और मैं इतना डरा हुआ हूँ महोदय कि मैं मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मैंने थाना अधिकारी को फोन कर मतलब जाके वहाँ पे थाना में कंप्लेन दे रखा हूँ। अब प्रशासन और सारे लोग, समाज के लोग मुझे बचाएं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे जीना, अब इस तरीके से बेनंग होके, निर्लज होके मुझे जीना नहीं आता। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप मेरी रक्षा करें, नहीं तो मैं यूपी बिहार मतलब ये झारखंड बिहार मेरा घर है, मैं वहां पे काम नहीं कर सकता। बोल रहे बकारे छोड़ के चले जाओ, तो मैं कहाँ पे जाऊँ, दिल्ली बॉम्बे में जाऊँ, वहां पे क्या होगा जब मेरे घर में ऐसा हो रहा है।